नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज एक ऐसे भाई से मिलवाता हूँ जिसने रनिंग क्लियर की, उसके बाद 12 बीम भी लगाई और फिर भी उस भाई को बाहर निकाला है कर्नल साहब ने। तो मैं कर्नल साहब से ही पूछना चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ आप इतने गुनाह क्यों कर रहे हो, इनने क्या गुनाह किया है? रनिंग भी लगाई है और उसके बाद बीम लगाई, अगर तीन तीन की लाइनिंग में बीम लगवाई जा रही है और उसके बाद एक बच्चा भीम अच्छे से नहीं लगा रहा है, और तो दोनों को बेगुनाहों को भी बाहर निकाल रहे हो आप। नमस्कार दोस्त। हाँ भाई साहब, कहाँ से हो दोस्त? मैं नागौर में मारुट गांव कुचामन के पास। अच्छा, कितने नंबर बैच में रनिंग लगाई थी दोस्त? मैं चार नंबर बैच में था। अच्छा, चार नंबर बैच में तुमने रनिंग लगाई, तो आपको बाहर कैसे निकाला? बाहर मैम भीम लगा रहे थे उस टाइम, एक बंदा दसवीं दोबारा था जिसके डॉक्यूमेंट का पता चल गया कि ये दसवीं दोबारा था, तो उसने क्या कलाकारी की कि मैं चार बीम में लटक जाऊंगा और बाहर निकल जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो चार बीम में नीचे पड़ गया। अच्छा, और उसके बाद मैंने मेरे को बोला अप डाउन, मैंने 11 बीम लगा दी। 11 बीम लगाने के बाद मेरे को सामने ले गए उनके पास, तब मेरे सात बीम लिख रहा था, तब मैंने ऐसा बोला सर मैंने तो 11 लगाई है। अच्छा, दोनों फेल हो, बाहर बैठ जाओ। फिर साइड में बैठा दिया और ये एप्लीकेशन देके आरएमडीएस अपना ले लिया और बाहर कर दिया एप्लीकेशन करके साइल, और ये सील लगी हुई है। ये देखो दोस्तों, दो नंबर सील लगी हुई है। तो तुमने रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट करने पे बाहर फेंक रहे हैं। दो बार कर्नल साहब के पास जाके आया था, उन्होंने ऐसे बोला कि अगली बार आना, सर अगली बार तो मेरी वैकेंसी नहीं होगी, मैं तो ओवरेज हूँ, तो ओवरेज है तो सिविल की तैयारी कर बेटा। तो दोस्तों मैं पहली बार तो कलेक्टर महोदय और जो SDM महोदय हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप की जोधपुर में जो संभागीय भर्ती चल रही है उस भर्ती की प्रक्रिया अच्छे से नहीं चल रही, युवाओं ने सब कुछ क्लियर किया है, उनके बाद भी मिलिट्री के जो कर्नल साहब है वो बाहर निकाल रहे हैं। अगर बच्चे की एक दो बीम कम होती है तो कम लिख सकते हो, लेकिन बाकायदा आप बाहर नहीं निकाल सकते। इस भाई ने 11 बीम लगाई है और इसको डायरेक्ट बाहर निकाला है, ये मिलिट्री का कोई नियम नहीं है, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी नोटिस में ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है कि किसी को बाहर निकाले। ये बता, तन बाहर निकालो तो सीओ के पास में गयो, जेसीओ तन जेसीओ हाइट कर रहे हैं या सीओ कर रहे हैं? सीओ कर रहे हैं, और उसके बाद बीम भी सीओ कर रहे हैं। बीम तो अलग है, एक बंदो बैठे हैं, पता कौन पड़े के कौन है। अच्छा, अब क्या प्रक्रिया करने वाला है तुम? अब मैं तो क्या बताऊँ प्रक्रिया में। तो दोस्त इतनी मैं भी बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट लेके, जितने भी तेरे डॉक्यूमेंट है क्लियर लेके, जो संभागीय अधिकारी है जोधपुर का उनके सामने पेश हो और वो ही आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करवाएंगे, न कि अंदर जाने से। अभी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अंदर से जाओगे तो डायरेक्ट बाहर फेंक देंगे। आप जो संभागीय अधिकारी आपके जोधपुर के, उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए और वो मिलिट्री के अंदर डायरेक्ट सीओ साहब से बात करेंगे, उनके बाद जो आपका सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन निकल पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।